हाँ गाइस, ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था मेरा, बट फिर भी आज बना रहा हूँ क्योंकि बनाना पड़ रहा है। लाइक मैं घर पे हो भी, घर पे वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं होता, तो मैं थोड़ा ऐसे बाहर आ गया हूँ, मैं रिवर साइड में, तो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आज क्योंकि बनाना तो होगा ही। मतलब सेफ्टी विंग से मुझे एक मेल मिला कुछ दिन पहले। सेफ्टी विंग एक ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है, एंड उन्होंने मुझे बोला कि एक वीडियो बनाना है, एंड वहाँ पर मुझे उन लोगों के बारे में थोड़ा सा बात करना है, एंड मुझे मेरा फास्ट सोलो ट्रिप एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। इंस्टाग्राम पे गया था ऐसे ही, इंस्टाग्राम विजिट करने के बाद मैंने देखा जुकू वैली ट्रिप का एक ऐड, तो मैंने तुरंत बुक कर लिया क्योंकि लाइक 7 साल पहले से मुझे जुकू वैली जाने का मन था मेरा। मैं जब जेएनबी में था तब मैंने एक मैगजीन में देखा था जुकू वैली के बारे में, तो तभी से मेरा मन था कि मैं जुकू वैली जाऊँ कभी, तो मैंने बुक कर लिया। रात को वो एक्साइटमेंट होता ना ट्रिप में जाने से पहले, तो उसके वजह से मैं लेट हो गया सोने में, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ा, अलार्म भी बजा नहीं, तो पता नहीं कैसे उठ गया मैं। उठने के बाद मैंने जल्दी से रैपिडो बुक कर लिया, एंड उसके बाद मैं स्टेशन गया गुवाहाटी स्टेशन, फिर वहाँ से मुझे जाना था डीमापुर स्टेशन, तो ट्रेन था मेरा, एंड 10:30 बजे आई थिंक हम डीमापुर पहुँच गए, एंड उसके बाद हमें जाना था ISBT कहीमा, फिर उसके बाद हम गए किसामा हेरिटेज विलेज जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, तो वहाँ देखा हमने, उस टाइम पे हॉर्नबिल फेस्टिवल नहीं हो रहा था, बस ऐसे ही था बस, तो देखा वो विलेज, अच्छा लगा हमें। फिर हम गए जखामा विलेज जहाँ पे हमारा होम स्टे था, एंड रात को हमें वहाँ रुकना था। होम स्टे का नाम था डॉन होम स्टे, बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस वहाँ पे भी। सुबह हमें जाना था जुकू वैली डाउन हिल, फिर हम वहाँ पे गए होम स्टे से, एंड उसके बाद हम ट्रैकिंग किए 4-5 घंटा, एंड फिर हम जुकू वैली बेस कैंप पहुँच गए। बेस कैंप पहुँचने के बाद हम सब थक गए थे एंड बहुत टायर्ड थे हम, बट जुकू वैली का जो व्यूज़ है ना, वो देख के हमारा जो थकान है ना, जो टायर्डनेस है, वो ख़त्म हो गया, एंड बहुत अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस। लाइक हमें लगा कि ट्रिप वर्थ इट है, तब लगा हमें। उसके बाद हम जुकू वैली देखा एंड लॉन्च किया हमने वहाँ पे, बहुत एंजॉय किया। फिर हम रात को बॉनफायर में गाना गए और एंजॉय किया वहाँ पे भी। फिर हम रात को टेंट में सो गए। इट वॉज द हार्डेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ, बहुत हार्ड था, लेकिन सबसे मेमोरेबल ट्रिप भी था अभी तक का, एंड सबसे एंजॉयबल ट्रिप भी था। बहुत सारे दोस्त बने वहाँ पे, लाइक ग्रुप में जो लोग थे ना उनको मैं पहले कभी देखा भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे ऐसा अच्छे दोस्त बन गए ना, हमेशा याद रहेगा वो। एंड मैं सबसे छोटा था ग्रुप में, बट कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ मुझे, कभी अलग सा फील नहीं हुआ मुझे। बारिश हो रही थी यहाँ पे ना, मतलब रेगुलर बारिश होती रहती है, तो कभी अगर आओगे तो रेनकोट मैंडेटरी है, लेके आना, बट रेनकोट लेके भी आओगे ना फिर भी भीग जाओगे। हम लाकी थे कि पहले दिन बारिश नहीं हो रही थी यहाँ पे, अगर पहले दिन भी बारिश होती तो हम एंजॉय नहीं कर पाते, हम देख ही नहीं पाते ढंग से, तो अच्छा हुआ कि लास्ट दिन बारिश थी। एंड बारिश में बहुत हार्ड था ट्रेकिंग करना, वापस जाना, मतलब थोड़ा सा झरना मिल गया हमें और हमारा हालत ऐसा है अभी, पूरा भीग गए, फिंगर कम नहीं कर रहा, ये वाला है। कैसा लग रहा है अब? बहुत ही खराब लगा है, पेड़ दुख रहा है। तो हम जुकू वैली से फिर हम वो होम स्टे आ गए, फिर हम वहाँ से फाइनली गुवाहाटी आ गए। ओके, तो यही था ट्रिप की कहानी, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं सेफ्टी विंग के बारे में, जिसने ये वीडियो स्पॉन्सर किया है, जिसके लिए लाइक ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे बेसिकली। तो सेफ्टी विंग एक ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस है, एंड जो आपको 185 कंट्रीज में कवरेज देती है। अगर आप डिजिटल नोमैड हो, अगर आप अलग अलग कंट्रीज घूमते हो, तो आपको ये इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। आई नो हमें एडवेंचर पसंद है, आई नो हमें रिस्क लेना पसंद है, बट इस रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए सेफ्टी विंग के साथ उड़ान भरो। ओके, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे, चलते चलते, बाय बाय।